वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुर्ती पर पोटली बटन गला डिजाइन बना के दिखाऊंगी, जो बहुत ही खूबसूरत होगा। कॉलर नेक में ये डिजाइन मैं तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने अपनी कुर्ती की कटिंग पहले से कर ली है और ये लाइनिंग भी मैंने इस पे अटैच कर ली है। और कुछ मैंने ये पोटली बटन तैयार किए हैं, ये फोम के बटन है। मैंने रेड कलर के कपड़े में इसको तैयार किया है, क्योंकि इसमें जो है हमारा नीचे देखिए कुर्ती में डिजाइन भी रेड ही है, इसलिए मैंने ये रेड कलर के बटन तैयार किए हैं। ये बटन आपको फोम बटन बोलेंगे तो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, जहाँ सिलाई का सामान मिलता है। ये कुछ बटन मैंने तैयार किए हैं, और ये मैंने पेपर पेस्टिंग ली है पतले वाली। चाहे तो आप इसके गला बनाने के लिए बुकरम पे भी आप कटिंग कर सकते हैं, और मैंने ये पतली पेपर पेस्टिंग ली है। तो मैं अब पहले इसका गला कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। गला कटिंग करने के लिए ये देखिए, हम इसको पेपर पेस्टिंग को जो है यहाँ से फोल्ड करेंगे। कितना फोल्ड करना है, ये 4.5 इंच मैंने फोल्ड कर लिया है। 4.5 इंच पे इसको फोल्ड कर लें और इसको बिल्कुल बराबर ऐसे सीधा कर लें, इस तरह से। अब इसमें हमने गले का डिजाइन कट करना है। ये फोल्ड करने के बाद यहाँ से देखिए हम निशान लगाएंगे। ये निशान मैं लगाऊंगी 3.5 इंच पे, यहाँ पे 3.5 इंच पे ये निशान लगा लेंगे। ये मैंने 3.5 इंच पे ऊपर में निशान लगा लिया है, और इसकी जो गले की लंबाई है हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इसका 13.5 इंच पे, ऊपर से 13.5 इंच। ये देखिए यहाँ पे 13.5 इंच पे मैंने एक निशान यहाँ लगा लिया है। अब एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 4 इंच पर ऊपर से। ये देखिए यहाँ पे 4 इंच पर, और ये 4 इंच वाले निशान को हम यहाँ से वही 3.5 इंच पर लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाया है, इस तरह से। और इस निशान को हम ऐसे सीधा मिला लेंगे, ये इस तरह से। इसमें मैंने अपने कॉलर की गोल कटिंग देनी है। अब इसमें हम ये देखें यहाँ पे ऐसे गोलाई का निशान लगा लेंगे, थोड़ा सा यहाँ छोड़ते हुए। कितना छोड़ना, हमने 1/2 इंच से भी आधा, मतलब एक लाइन ही हमने ऐसे छोड़नी है। बहुत ज़्यादा हमने, ये देखिए बिल्कुल जरा सा, एक पैर का जो हमारा निशान होता है उससे भी आधा हम इसमें यहाँ पे छोड़ेंगे, और यहाँ पे ऐसे गोल इसमें गोलाई का निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसमें मैंने गोलाई का निशान दिया है। जितना निशान हमने यहाँ लगाया है उतना ही हम देखिए यहाँ भी लगा लेंगे, बिल्कुल एक पैर से भी आधा है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे, इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पे ये देखिए इतने हमने ये 1-1 इंच साइड में छोड़ते हुए एक निशान और लगाना है। यहाँ से इसको कट कर लेंगे।
ये देखिए मैंने गले की कटिंग कर दी है। अब इसको हम एक कपड़े पे प्रेस से चिपका लेंगे। ये मैंने पेपर पेस्टिंग की जो कटिंग मैंने गले की थी उसको एक कपड़े पे मैंने प्रेस से चिपका लिया है। अगर आप बकरम से इसको काट रहे हैं तो यहाँ से कपड़े पे आप किनारी से इस पर स्टिच कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे, कितना कपड़ा हम रखेंगे और बाकी चारों तरफ का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और इसको मशीन से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया और बाकी कपड़े को ऐसे फोल्ड कर दिया है। अब मैंने ये अपनी कुर्ती का आगे वाला हिस्सा लिया है, फ्रंट वाला, इस पर भी हम जो है यहाँ पे एक कट लगाएंगे कोने पे। और एक कट हमने जो ये 3.5 इंच पे हमने गले डिजाइन पे जो लगाया था वही कट हम यहाँ भी लगा लेंगे। देखिए इस तरह से एक कट ये गले के इस पे भी हम बिल्कुल बीच में यहाँ पे लगाएंगे। ये मैंने इस पे जो है कमीज पे देखिए प्रेस से ये किनारी मैंने बैठा रखी है, फिर भी मैं चौक के निशान ऐसे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से अब इस पे हम अपने गले को रखेंगे। ये जो बीच वाला कट हमने लगाया है ये कट से कट मिलाते हुए यहाँ पे इस तरह से और यहाँ रख के बीचों बीच बिल्कुल बड़ी धागे को हम बिल्कुल बड़ा कर लेंगे और एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बीचों बीच मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है और धागे को फिर से मैंने यह है पक्का कर लिया है, बारीक सिलाई पे लगा लिया है। अब यहाँ से हम बिल्कुल ये जो हमारी बकरम है इसके साथ साथ किनारी से नीचे, बकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, इसके साथ साथ में हमने सिलाई लगानी है। इसको अब ऐसे घुमा लेंगे, यहाँ भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। देखिए गला अटैच हो गया है। अब हम यहाँ थोड़ा कपड़ा रखते हुए इसको बाकी कपड़े को ऐसे कट कर देंगे। और यहाँ बीचों बीच ध्यान रखना है कि ना हमारी इधर वाली सिलाई कटनी चाहिए ना इधर वाली, बिल्कुल बीचों बीच इसमें हम कट लगा देंगे। इस तरह से अब इसको हम ऐसे बिल्कुल अच्छे से कोने निकालते हुए पूरे को पलट लेंगे। ये देखिए मैंने गले को अच्छे से पलट लिया और इस पर प्रेस भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पे जो है कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जितनी हमारी ये बुकरम है इसके ऊपर से ही हमने कच्ची लगानी है। ये देखिए अब हम इस पे जो है गले को ऐसे रखेंगे और 4 इंच हमने गला ये कटिंग किया था यहाँ पे, तो इसको हम 4 इंच ऐसे रखते हुए यहाँ देखिए 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अगर आप गला छोटा पहनते हैं तो 7.5 इंच पे लगा लें।
यहाँ पे मैं इस पर 8 इंच पे एक निशान ऐसे लगा लूँगी गले के ऊपर। ये मैंने निशान लगा लिया है। और एक ये देखिए, ये मैंने जो है 1.25 इंच चौड़ी डबल कपड़े की एक पट्टी तैयार की है। ये पट्टी जो है इस निशान से मैंने थोड़ी लंबी ली है। अब इस पट्टी के ऊपर पहले मैं ये पोटली बटन लगा के आपको बताऊंगी, फिर इसमें अटैच करना बता रही हूँ। ये देखिए, हम पट्टी को ऐसे रखेंगे और इस पे हम यहाँ पे, ये देखिए, इस पे हम ऊपर से 1/2 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे और 1/2 इंच पे हम निशान नीचे भी लगा लेंगे। अब इस निशान को हम ऐसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। हमारा इस निशान से हम ऐसे रख के सिलाई लगा लेंगे। ये जो हमने निशान लगा रखे हैं गले के पट्टी पे, तो यहाँ से पहले हम इस पट्टी को ऐसे सिल लेंगे। पट्टी पे ये निशान लगाने के बाद, ये देखिए, हम यहाँ से जो हमने कमीज पे निशान लगाए हैं, यहाँ हम जितना गैप हमारे गले में था थोड़ा सा वही गैप इस निशान से इधर करते हुए पहले ये इस तरफ की सिलाई हम लगा लेंगे। किनारी से ये सिलाई हमने लगा लेनी है। यहाँ लाके हम इसको सिलाई को ऐसे उतार लेंगे। ये एक साइड की पट्टी हमने पहले इस पे ज्वाइंट कर दी है। अब हम यहाँ इसको ऐसे रखेंगे बिल्कुल, और ये फोम के बटन इसमें साथ के साथ लगाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे इस तरह से। देखिए, बिल्कुल ध्यान से ये लगाने हैं, उतना ही गैप हमने करना है जितना हमारा पहले कमीज में गैप। ये देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से बटन लगाना इसमें। इसमें ऐसे बटन रखते जाएंगे। चाहे तो आप पहले पट्टी पे बटन अटैच कर ले इस निशान पे, लेकिन मैं ये साथ के साथ लगा रही हूँ। ऐसे 4-5 बटन आप रखें एक साथ और एक साथ इनकी सिलाई कर दें। देखिए इस तरह से। ये देखिए, ये पूरे बटन इसमें आ गए हैं। यहाँ पे अब हम सिलाई लगा देंगे। अब इसको ऐसे घुमा के हम यहाँ पे जो है पक्का कर देंगे सिलाई को। ये देखिए, ये मेरे फोम के जो है 15 बटन इसमें लगे हैं। और अब यहाँ से हम किनारी से सिलाई लाते हुए ऐसे यहाँ तक सिलाई मार देंगे, इस तरफ भी मार देंगे और एक पैर के दबा से एक सिलाई और मार देंगे ताकि अच्छे से दब जाए। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। हम जो है पहले मैंने इस पे सिलाई लगाई थी पट्टी पे, और अगर आपसे एक साथ ये बटन नहीं लगे तो इसको साइड में हटा के पहले इस पट्टी पे ही उस निशान के ऊपर आप बटन सील लें, उसके बाद इसमें अटैच कर लें। अब ये देखिए, मैंने बैक हिस्सा हम लेंगे, तो यहाँ पर जो है बैक पे हम जो 3.5 इंच का निशान हमने लगाया था, यहाँ बीच में एक कट लगा लेंगे छोटा सा इस तरह से, और 3.5 इंच पे ये निशान हम यहाँ भी लगाएंगे इस तरह। चाहे तो आप इसमें ऐसे ही सीधे में भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं 1/2 इंच, ये देखिए, यहाँ से 1/2 इंच में मैं निशान लगाऊंगी और इसको ऐसे हल्का सा ऐसे इस तरह से इसको कट कर दूंगी बैक
जो कॉलर मैंने लगाना है उसके लिए। ये देखिए इस तरह से अब हम इसके कंधे ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए यहाँ बीच में कट एक बार और लगा लेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ इसके कंधे ज्वाइंट कर लेंगे। ये मैंने कंधे ज्वाइंट कर लिए हैं। अब यहाँ से इसको हम ऐसे पूरे को नाप लेंगे कि हमारा ये कितने इंच है। देखिए इस तरह से इसमें मैंने कॉलर लगाना है, तो यहाँ से इसको नापते हुए चलेंगे बिल्कुल किनारी से, और खींचना नहीं है किसी को भी, ना इंची टेप को ना कपड़े को, बराबर ऐसे रखते हुए। ये देखिए मेरा 17 इंच आया है, 17 इंच का हम कॉलर कट कर लेंगे। ये मैंने जो अगले गले में लगाई है वही पेपर पेस्टिंग ली है। इसको देखिए एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे हम और इसको ऐसे कर लेंगे। अब इसकी लेंथ हम देखेंगे, ये एक बार फोल्ड कर लिया है तो यहाँ पे ये हमारा 8.5 इंच होना चाहिए, और थोड़ा सा सिलाई में दबने के लिए तो इतना ये एक्स्ट्रा है, तो इसमें हम ये कॉलर जो है कट कर लेंगे। यहाँ से हम इसको 2 इंच पे निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह से, और यहाँ लगाएंगे 2 इंच पे ही हम यहाँ लगाएंगे, और ये 9.25 इंच मैंने लिया, 9.25 इंच हमारा है ये है। और इसको जो है हम देखिए यहाँ एक सीधी निशान लगा लेंगे सीधा, चाहे तो आप कपड़े का भी ये जो है कॉलर इसमें लगा सकते हैं बैंड। अब इसको यहाँ पे देखिए हम ऐसे गुलाई देंगे, यहाँ बिल्कुल जो एक्स्ट्रा हमने लिया है वहाँ से इस तरह से ये गुलाई इसमें दे देंगे हम। ये देखिए इस तरह से इसी गुलाई से इसको कट कर लेंगे, या आप जिस हिसाब से काटते हैं उस हिसाब से इसको कट कर लीजिए। यहाँ से हम लगभग 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको यूँ तिरछा करते हुए यहाँ तक कम ले आएंगे बिल्कुल, और इसको भी कट कर लेंगे। फिर एक ये डबल ये कपड़ा मैं देखिए मैंने लिया है, इसको एक बार ऐसे डबल कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको प्रेस से बिल्कुल ऐसे चिपका लेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा ऐसे रखते हुए बाकी कपड़ा कट कर देंगे, और इधर हम 1/2 इंच कपड़ा रखेंगे और बाकी कपड़ा कट कर देंगे। अब इसको देखिए यहाँ ऐसे रखते हुए हम इसके साथ साथ इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, किनारी के से बिल्कुल सिलाई लगाते हुए ऐसे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए डबल कपड़ा लिया था, इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और इस पर अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये इस पर अच्छे से प्रेस लगा लिया है। अब इसको हम ऐसे डबल करेंगे अच्छे से बिल्कुल इस तरह, और यहाँ बीच में एक कट लगा लेंगे, बिल्कुल बीच में हमने ये कट लगाना है। अब इसको हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। ये देखो मैंने ये अपने कमीज को उल्टा कर लिया है, उल्टा रख लिया है, और अब इसको हम एक पीस ऐसे निकालेंगे जो हमारा ये इस पर चिपकाया हुआ है। यहाँ से इसको देखिए हम ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से, और जो है यहाँ पे सिलना शुरू कर देंगे। एक पैर के दबा से ये सिलाई आनी है, देखिए बिल्कुल अच्छे से रखते हुए इसको यहाँ पे स्टिच करना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आसानी से लग जाएगा। अब इसको ऐसे घुमाते जाएंगे हम, और ये कट और हमारा ये बीच का कट जो है मिलना चाहिए। यहाँ पे अच्छे से इसको बहुत ध्यान से ऐसे घुमाते हुए हमने उतना ही कपड़ा छोड़ते जाना है, सिलते जाना, जितना शुरुआत में हमने दबाया उतना ही हमने इसमें यहाँ भी दबाना है।
ये देखिए ये कट से कट हमारा ऐसे मिल गया है। सिलाई हम इसके साथ साथ नीचे लगाएंगे, इस पे बुकरम पे सिलाई नहीं लगाएंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से हम इसको ऐसे दबाते हुए अच्छे से यूं फोल्ड करके यहाँ दबा के इसके ऊपर से, इस कॉलर वाले कपड़े के ऊपर से सिलाई हमने लेनी है। ये देखिए इसी तरह से हम इसको अच्छे से नीचे वाले को खींचते जाएंगे और इसको जो पहले हमने सिलाई लगाई है उस सिलाई को दबाते हुए बिल्कुल ऐसे इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमने पूरे में इसको सिल लेना है। ये देखिए मैंने इस पे जो है सिलाई लगा दी है और फिर एक सिलाई मैंने ऊपर से किनारी से भी लगा दी है तो, और ये नीचे मेरा डिजाइन है, ये मेरा गला बनके जो है रेडी है। ये कॉलर है, बिल्कुल अच्छे से ये गले में आएगा पहनने के बाद जिस हिसाब से मैंने बताया, अगर उसी हिसाब से आप बनाएंगे तो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।